यीशु के नाम की महिमा हो। मत्ती 1:18-25 तक वचन पढ़ेंगे और हम मनन करेंगे। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठे होने से पहले ही वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे छुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वो इन बातों के सोची ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे सपन में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वो पुत्र जनेगी और तुम उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। ये सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वो पूरा हो। देखो, एक कुवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तब यूसुफ नींद से जाग कर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया, और जब तक वो पुत्र न जनी तब तक वो उसके पास ना गया और उसने उसका नाम यीशु रखा। इस वचनों से आज हम मनन करेंगे यीशु नाम। इसके बारे में आज हम देखेंगे। यीशु नाम सबसे मीठा नाम, सबसे प्यारा नाम, सबसे ऊंचा नाम। इस नाम के अंदर हमारा सब कुछ मिलता है। जीवन की हर जरूरतें यीशु नाम के अंदर मिलता है। हमको बचाने वाला, छुड़ाने वाला, पापों से क्षमा करने वाला सब हमारा यीशु मसीह है। इस यीशु नाम को हम बोलेंगे, हमारा जीवन में जीवन प्रवेश होता है। इस दुनिया में कितने लोग आशीष के लिए दौड़ते हैं, पाप क्षमा के लिए दौड़ते हैं, शाप से छुटकारा होने के लिए दौड़ते हैं। पूरी दुनिया आशीष पाने के लिए दौड़ता है, लेकिन सारा आशीष सब यीशु मसीह के अंदर ही है। वो स्वर्गीय पिता का बेटा है यीशु मसीह। इस दुनिया में जन्म हुआ, इधर लिखा है यीशु का जन्म करके कैसे जन्म हुआ। पवित्र आत्मा के द्वारा वो जन्म हुआ, वो उत्पन्न हुआ है। पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह जन्म हुआ, वो पवित्र है, वो पिता का बेटा है, वो पिता का शब्द है, वचन है यीशु मसीह। हर एक वचन यीशु मसीह है। इस वचन को जो भी बोलेंगे अपने जीवन का बंधन खुल जाता है। इस वचन अंदर जाएगा, जीवन की हर बंधन खुल जाता है। जो जो बंधन से, बीमारी से पड़े रहने वालों को इस वचन यीशु नाम अंदर जाएगा, सारे गढ़ों को तोड़ने वाला यीशु नाम है। शैतान की कामों को नाश करने के लिए यीशु मसीह प्रकट हुआ है। हम यीशु बोलेंगे, वो हमारे अंदर आता है, हमारे जीवन के अंदर। कहाँ कहाँ शैतान गड्ढ बना के अंदर बैठ के छुपे रहता है, सारा गड्ढ को यीशु मसीह तोड़ देता है। यीशु मसीह अंदर आने से शैतान कांपता है, हमारे जीवन में वो रह नहीं पाएगा। हर एक इंसान के जीवन में शैतान अंदर बैठकर इतना लोगों को मारता है, कभी भी उनको जीवन में शांति नहीं है, सारा शांति को छीन लेता है। नरक की वेदना से लोगों को तड़पाता है और पाप करने के लिए वही लोगों के अंदर बैठकर कराता है, बोलता है, तुम बहुत थक गया, बहुत तुम्हारा शरीर दर्द होता है, चलो थोड़ा सा दारू पी लो, अच्छे हो जाओगे, बस थोड़ा सा ये खा लो, थोड़ा ऐसा ही नशा में पड़े रहो, तब तुम्हारा दर्द दिखाई नहीं होगा। ज्यादा सिनेमा देखो, टीवी देखो, नहीं तो विभचार पाप में किसी में लेके अपना मन को थोड़ी देर खुश रखो करके शैतान लोगों को थोड़ी देर के लिए उनको ऐसा ही लेके जाता है, दिखाता है, झूठ बोलता है, आंख का अंधा करता है। इंसान उस जाल में पड़े रहता है, अंधकार में ही चलता है। वो लोगों को लेके जाते पाप
एकर वो कर करके फिर दोष लगाता है, तुमने ये किया तुमने वो किया कर कर के लोग इंसान को मारता है। दिन रात इंसान तड़पता है, सो नहीं पाता है, ऐसे ही नरक की वेदना से करता है पाप। इंसान को पूरा जाल जाल पापों के उस जाल में फंसकर, मृत्यु की फंदा में फंसकर इंसान पड़ा रहता है। इसलिए हमारा रक्षक यीशु मसीह इस दुनिया में जन्म हुआ, क्योंकि सब लोग पाप किए, सब लोग परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए, एक भी धर्मी नहीं है। तब ये दुनिया ऐसे ही शैतान की वश में था, लोग तड़प रहे थे कौन मुझे छुड़ाएगा करके, कुछ लोग पुकारते थे, कुछ लोग ऐसे ही पड़ा रह रह के मर जा के नरक में चले जाते थे। ऐसे इस दुनिया को बचाने के लिए यीशु मसीह जन्म हुआ। पिता हमसे इतना प्यार किया, इतना प्यार किया मानव जाति को बचाने के लिए, आशीषों से भरने के लिए, पाप से छुटकारा देने के लिए, श्राप से मुक्ति देने के लिए पिता परमेश्वर अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा है। पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह जन्म हुआ है, एक कुमारी के पेट में जन्म हुआ है। हालेलुया, हमारा रक्षक वही है, जो कोई भी उसके पास आते हैं किसी को भी वो इनकार नहीं कराते हैं। इस नाम में मुक्ति, यीशु नाम में मुक्ति, यीशु नाम में माफ़ी, यीशु नाम में शिफा, यीशु नाम में सब कुछ मिलेगा। जीवन की हर ज़रूरतें यीशु नाम के अंदर मिलेगा। हम देखेंगे प्रेरितों के काम 3 अध्याय में हम देखते हैं एक लंगड़े माँ की पेट से जब जन्म हुआ तब से वो लंगड़ा है, उसको कोई उठा के लेके आते हैं। वहाँ एक मंदिर के पास एक द्वार है सुंदर करके, वहाँ उसको बैठाते हैं। हर दिन भीख मांगना, उसमें से ही उसको जीवन चलता था। कितना उसका मन दुखी हुआ होगा, लेकिन उस दिन देखिए पतरस और योहना वहाँ आते हैं तो वो लोग के पास वो भीख मांगता है। तभी वो लोग कहते हैं हमारे वो ध्यान से देखो करके, क्यों उनके अंदर यीशु है, यीशु मसीह बात करते हैं हमारी ओर देख। हम उन दोनों के अंदर यीशु था, यीशु बात किया। देखिए वो देख रहा था, यीशु को देख रहा था, उसकी प्रेमी आवाज़ को सुन रहा था, यीशु मसीह बात कर रहे हैं, तरस काया। तो तुरंत पतरस के द्वारा यीशु मसीह क्या किया, उनका हाथ पकड़ के उठाया, तुरंत उसका पैरों में बल आ गया, वो कूद के वो उठ के चलने फिरने लगा, उछला कूदा, इतना खुशी से खड़ा हो गया। फिर परमेश्वर को महिमा किया, फिर वो भी परमेश्वर के मंदिर के अंदर चला गया करके हम देखते हैं। तो यीशु मसीह हमारे अंदर निवास करते हैं। पत्रस के अंदर यीशु मसीह था, योना के अंदर यीशु मसीह था, उस नाम में उसको चंगाई मिल गया है। देख सकते हैं बलि चंगाई मिला है, यीशु नाम के अंदर बलि चंगाई है। जन्म से पापी है, जन्म से पापी है, हम सब लोग जन्म से पापी है, वो लंगड़े जन्म से लंगड़े हैं, उस पाप क्षमा हुआ। यीशु मसीह उनको देखा, मुझे देखो मेरे पास आओ करके उनका प्रेमी आवाज़ को सुना, उसका जीवन बदल गया। पतरस यौवन के अंदर यीशु मसीह था, उनके द्वारा वो काम किया। इसलिए वो लोग कहते हैं कि यीशु मसीह के नाम के ऊपर जो विश्वास है वो इनको बड़ी चंगाई को लेके आया। देखिए वो नाम में बड़ी चंगाई, उस नाम के अंदर आरोग्य था, उस नाम के अंदर हरा भरा जीवन, ताज़ा जीवन, हमेशा ताज़ापन, डेली फ्रेश फ्रेश मिलेगा। ऐसा नहीं है जीवन की रोटी फ्रेश है, हर दिन नया नया देने वाला परमेश्वर। हमारा शरीर हमारा मन रूपांतर होते जाता है, नया हमको नया बनाने वाला परमेश्वर। हालेलुया, जो कोई भी यीशु मसीह के अंदर है हम लोग नई सृष्टि है, पुराने बातें बीत गया है, नए होते जा रहे हैं। हमारा मन इस वचनों से नया वो तेज आ रहा है, इस वचन को हम अंदर रखना। दाऊद कहता है आपका वचन को मैं हृदय में रख छोड़ा, हमको रखना वचन को, रखते रखना हर एक वचन अंदर जाएगा, हमारा बंधन को खोलता है। यीशु ही ये वचन है, परमेश्वर का वचन यीशु मसीह है, ये पूरी वचन यीशु है, ये सब हमारे अंदर जाएगा। एक एक वचन के अंदर रोशनी है, एक एक वचन के अंदर आज़ादी है,
एक एक वचन के अंदर ताजापन है, एक एक वचन के अंदर आरोग्यता, जीवन की हर जरूरत, सब कुछ एक एक वचन के अंदर भरे रहता है। भाई अच्छा नौकरी चाहिए, अच्छा पैसा चाहिए, जीवन में क्या क्या चाहिए, सबसे ज्यादा हमको यीशु चाहिए, यीशु को हम पकड़ना है, पहले इनका राज्य को खोज करेंगे, सब चीज हमें दिया जाएगी। सब कुछ हमें देने वाला यीशु नाम के अंदर ही है। दुनिया में कहीं भी भागेंगे आप पापों को, मेरे को क्षमा मिलेगा करके लोग दौड़ते हैं दुनिया के हर कोने कोने में, लेकिन यीशु नाम में ही चंगाई, यीशु नाम में ही पाप क्षमा मिलेगा। ये सब इस यीशु नाम के अंदर जो कोई भी रहेगा वो लोग जीवन पाते हैं, अनंत जीवन पाते हैं। जैसे बारिश आता है ऊपर से आकर जमीन को पूरा वो गिल्ला करता है, उसके अंदर जो बीज है वो उग के आता है, आकर उस फसल को लेके आता है। वैसे वो बारिश किस मकसद के लिए परमेश्वर दे या उस मकसद आके पृथ्वी में पूरा होता है, जमीन पूरा अपना फल को देता है, उपज को देता है। वैसे ही हम परमेश्वर के हर एक वचन बारिश के समान है, ओस के समान है, वो आता है हमारा जीवन में, हमारा जीवन को हरा भरा करता है। हर एक बीज हमारे जीवन में उग के आता है, बीज बड़ा हो के उग के हरा भरा करके उसमें फल फूल आकर हमारे जीवन को वो आशीषमय जीवन में बनाता है। इस यीशु नाम को जो कोई भी विश्वास करते हैं वो लोग अनंत जीवन पाते हैं। उसमें बने रहना, इस वचन में ही बने रहना, इस वचन में ही हम जीना, ऐसे ही उस वचन के अंदर ही हमको रखना है। दुनिया कुछ भी बोलेगा, जो कोई भी बोलेगा, हम वचन पे ही चलने वाला बनना है, ताकि उस रोशनी पे ही हम चलना है। यीशु मसीह जगत की ज्योति है, वो महिमा की ज्योति है, वो हमारा हृदय में वो चमकाया करके हम देखते हैं। किसी भी मनुष्यों को भी प्रकाशित करने वाला सच्चा ज्योति है, जीवन की ज्योति है, हमारा यीशु मसीह है। कितने भी अंधकार हो उनके अंदर, कितने भी पाप में पड़े वो, अंधकार में वो जीता होगा, लेकिन वो भी यीशु के पास यीशु करके पुकारेगा। यीशु के नाम के अंदर जो रोशनी है वो तुरंत उसके अंदर जाएगा, अंधकार को दूर कर देगा। देखिए एक रूम पे लाइट नहीं है, पूरा अंधकार है, लेकिन हम थोड़ा हम एक कैंडल अगर जलाएंगे तुरंत वो रोशनी आता है, वो अंधकार को दूर करता है। वैसे ही जगत की ज्योति हमारा यीशु मसीह, यीशु करके हम बोलेंगे वो हमारा अंदर आ जाता है, तुरंत हमारा अंदर की जो अंधकार है वो भाग जाता है। शैतान भागेगा यीशु के नाम से, शैतान कांपेगा यीशु के सामने। हालेलुया, शैतान की कामों को नाश करने के लिए यीशु मसीह प्रकट हुआ है, आज भी जिंदा है, जिंदा है, वो हमारे अंदर निवास करते हैं, वो महिमा की आशा हमारे अंदर रहता है। यीशु का नाम में मुक्ति है, यीशु का नाम में चंगाई है, इस यीशु नाम हमें दिया गया है। हर एक को प्रकाशित करने वाला यीशु नाम हमें दिया गया है। पिता परमेश्वर अपने एकलौते बेटे को हमारे लिए इस दुनिया में दे दिया, कृपा प्रकट हुआ, जीवन प्रकट हुआ, हालेलुया, उनका प्रेम प्रकट हुआ है। उस जन्म से लंगड़े था, उसका जीवन में यीशु मसीह प्रकट हो गया, उसका जीवन बदल गया। हम देखते हैं वो कूदा, उछला, खुशी से वो यीशु के पीछे चला गया करके हम देखते हैं। ऐसे ही हर एक इंसान को प्रकाशित करने वाला ज्योति है हमारा यीशु मसीह, परमेश्वर ज्योति है, उसमें कुछ भी थोड़ा भी अंधकार नहीं है। यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। उस लहू के अंदर हमारा सब कुछ मिलेगा, उस लहू के अंदर सुरक्षा है, उस लहू के अंदर हमारा जीवन की हर चीज़ मिलेगा। हम देख सकते हैं उस सामरी स्त्री के बारे में, हम देखते हैं योहन्ना 4 अध्याय में, उस स्त्री के जीवन में कुछ भी आशा नहीं था, कुछ प्रेम नहीं मिलता था, कुछ तृप्त भी नहीं था, हमेशा प्यासा में रहती थी, कौन मुझे प्यार करेगा, कौन मुझे सच्चाई प्रेम से, कौन मुझे प्यार करेगा करके वो जीवन में खोज रही थी। 5 शादी कर दी, लेकिन तभी भी उसको प्रेम नहीं मिला, वो तो और भी ढूंढ रही है। वो देखिए यीशु मसीह उसको ढूंढ के आया, अकेला आके उससे बात किया,
उनसे बोला, मैं तुम्हें जीवन की जल दूंगा, तुम कभी प्यासा नहीं रहेगी। वो बोली, प्रभु मुझे दे दीजिए। देखिए वो मांगी थी, यीशु मसीह उनके अंदर आ गया, यीशु मसीह उसके जीवन को बदला। यीशु मसीह कहते हैं मैं हूँ वो यीशु करके, वो तुरंत उसको विश्वास किया, उसका जीवन बदल गया। वो उस गांव के अंदर गई, अनेक लोगों को यीशु के पास लेके आई। ऐसे कुछ भी पाप हो, कितने बड़े बीमारी हो, ऐसे पाप में पड़े रहते हो, शैतान ऐसे लोगों को पड़े रहता है, उनको ये सही नहीं, ये करो वो करो ये करो करके मारता है, लेकिन जो कोई भी यीशु के पास आते हैं, यीशु मसीह उनका जीवन को बदल देता है। वो लंगड़े चलने लगा। सामरी स्त्री जीवन में उसको कुछ भी आशा नहीं था, कोई भी उसको प्रेम नहीं करता था, लेकिन दुल्हा यीशु मसीह उसको मिल गया है, उसका जीवन आनंदमय जीवन हो गया है। ऐसे जो कोई भी यीशु के पास आते हैं, वो किसी को भी इनकार नहीं करते हैं। शैतान क्या करता है, लोगों को झूठ बोलता है, झूठ बोल के एक एक झूठ के अंदर इतना अंधकार भरा रहता है, वो अंधकार में ही रहता है, उधर ही बैठ बैठ के सब प्लान करता है। इसलिए हर एक प्लान अंधकार है, उसके बाद ज्योति नहीं है, जीवन नहीं है। वही लोगों को अंदर विचारों में डालता है, उस विचारों को इंसान ले लेता है, तुरंत उसका दिमाग अंधकार हो जाता है। दिमाग अंधकार है तो विचार अंधकार है, आंख भी अंधकार है, तो आंख अंधकार है, शरीर भी पूरा अंधकार है। अंधकार में ही चलता है, जहां गड्ढा है वो नहीं जानता, उस गड्ढा में जाके गिराता है शैतान। पाप करने के लिए उसको बोलता है, तुम्हारा शरीर दर्द होता है, तुम तो बहुत काम किया, थोड़ा सा दारू पी लो, थोड़ा सा नशा ले लो, थोड़ा सा ये गंदा फिल्म देख लो, ऐसे ऐसे करके लोगों के अंदर मन में विचारों को डालता है। इंसान सोचता है हाँ सही है करके, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए करके, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, सिनेमा देखो, ये करो वो करो करके विभचार पाप में इंसान लोगों को, दुनिया की हर एक इंसान को गिराता है। लोग जानते नहीं है, अंधकार में पड़े रहते हैं, जाके गड्ढे में गिर जाते हैं, फिर बाद में बोलेगा तुमने ये किया तुमने वो किया, दोष लगाता है, फिर सुसाइड करने के लिए लेके जाता है, आत्मा अत्याचार करने के लिए लेके जाता है, नरक के ओर लेके जाता है। शैतान यही करता है, इसलिए यीशु मसीह बोला, चोर चोरी करने, घात करने, मार डालने आता है, लेकिन मैं जीवन देने के लिए आया हूँ, बहुधायत के जीवन देने के लिए आया हूँ। यीशु मसीह जन्म हुआ हमको उद्धार करता, हमको सारे पापों से हमको क्षमा करके हमको चंगाई देने वाला भर दो। यीशु मसीह जन्म हुआ हमको सारे पापों से हमें शुद्ध करके हमको महिमा में जीवन देने के लिए जन्म हुआ है। पिता के साथ हमको मिलाने के लिए यीशु मसीह जन्म हुआ है। यीशु मसीह हमारे अंदर जन्म हुआ है। हमारे जीवन में जो जो शैतान गड्ढ बना के अंदर छुप के रहता है, सारे गड्ढों को तोड़ने वाला यीशु मसीह है। उस नाम को पुकारेंगे, पुकारते रहेंगे, दिन रात बोलते रहेंगे, वही मेरा गाना है, वही हम बोलते रहेंगे, भजन गाएंगे, यीशु नाम की भजन गाते रहेंगे। हालेलुया, कोई दुष्ट हमें छू नहीं पाएगा। उस नाम में चंगाई, उस नाम में रिहाई, उस नाम में सब कुछ है। उस नाम हमें छुड़ा था, आंखों को रोशनी देता, लंगड़े को चलने देता, जीवन में हालेलुया हमारे जीवन में जीवन को लाता, अनंत जीवन देता है। हालेलुया यीशु मसीह हमें अनंत जीवन देने के लिए आया है। उसको जानना और भी उसका निकट हमको जानना, इस वचन को हम ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे, वचन को ध्यान करते रहेंगे, हमारे अंदर पवित्र आत्मा काम करेगा, क्योंकि यीशु मसीह बोला मेरा वचन पूरा आत्मा से भरा हुआ है, आत्मा से जीवन से भरा हुआ वचन है। इस वचन को कोई भी लेंगे अंदर जीवन और आत्मा जाएगा। हालेलुया हमको वो जिंदा करा देगा। उसका कृपा में बने रहना, उस वचन में बने रहना, यीशु में बने रहना, उसी में ही बने रहना, हम फलेंगे फूलेंगे, पूरी पृथ्वी को हम पूरा भर देंगे। हालेलुया, ऐसे परमेश्वर हमें आशीष किया है, फूलो फलो पूरा पृथ्वी को, पहले
पिता परमेश्वर ने आदम को ऐसे ही आशीष किया है, लेकिन शैतान उसको छीन लिया है। लेकिन दूसरा आदम यीशु मसीह जन्म हुआ है, ये सारा आशीष यीशु मसीह के अंदर हमको मिल गया है। कितना एक आनंद की बड़ी बात है। हालेलुया, यीशु की नाम की जय हम बोलते रहेंगे। यीशु नाम जय है, जय देता है, हमें हर जगह पर हर मुसीबत से बचाता है, ठोकर खाने से बचाता है, आंखों को आंसुओं से बचाता है, मृत्यु की फंदा से बचाता है। हमें बचाने वाला परमेश्वर, धर्मी का मार्ग में जीवन है, मृत्यु नहीं है। धर्मी का मार्ग में रोशनी है, अंधकार नहीं है। धर्मी का मार्ग में प्रेम है, डर नहीं है। यही है यीशु मसीह, उसके अंदर होकर हम उद्धार पाएंगे। हालेलुया, हम हरा भरा रहेंगे, हम ताजा में रहेंगे, हमारे अंदर से सोता बन के यीशु मसीह बहते रहेगा, बहते रहेगा, बहते रहेगा। हालेलुया, उसके हाथों में अपने जीवन को हम समर्पण करेंगे। जो कोई भी यीशु नाम को नहीं जानते हैं, आज पुकारिए, आज पुकारिए, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु मसीह मुझे बचाइए करके कोई भी बोलेंगे, उनका जीवन में हर जरूरत को पूरा करने वाला यीशु मसीह आपका जीवन के अंदर प्रवेश होगा। हालेलुया, आपके अंदर जो शैतान गढ़ बना के बैठ के रहता है, सारे शैतान भागेगा यीशु के नाम से। आपका अंदर अंधकार भागेगा, ज्योति प्रवेश होगा, अब जीवन पाओगे। हालेलुया, हालेलुया, यही है अनंत जीवन। इस नाम में के अंदर होकर ही हम स्वर्ग पहुंच पाएंगे, पिता से हम मिल पाएंगे। इसके द्वारा और भी कुछ भी रास्ता नहीं है, यही है जीवन की मार्ग। इसके अंदर होकर हम जीवन को प्राप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद प्रभु, आप हमसे इतना प्यार किया, इतना प्यार किया, अपना एकलौता बेटे को हमारे लिए दे दिया। हालेलुया, हम धन्य हुआ है प्रभु। इस नाम के अंदर जो कोई भी रहता है वो धन्य है। यीशु का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भाग कर हर दुर्घटनाओं से बचता है। हम प्रभु हम बचेंगे, हम जिंदा रहेंगे, हम सुरक्षा रहते हैं आपके नाम के अंदर ही प्रभु। धन्यवाद पिता, इस नाम हमें दिया, धन्यवाद। यीशु को हमें दिया, धन्यवाद। यीशु मसीह अब जन्म हुआ, धन्यवाद। धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, आपके आत्मे में हम समर्पण करते हैं। यीशु के नाम से मांगते पिता, आमेन।